हेलो बेबीज एंड बाबाज हेलो बॉयज एंड गर्ल्स हेलो माय डियर व्यूअर्स माय नेम इज प्रोफेसर नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है चलिए बच्चों आज अभी इसी वक्त लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट आई मीन लेट इज कंटिन्यू विथ अवर बिजनेस लॉ बट लेट स्टार्ट विथ मॉड्यूल वन चैप्टर वन लेट इस स्टार्ट विद आवर मॉड्यूल वन चैप्टर वन कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन चैप्टर नंबर वन कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन माई डी व्यू माई डिया व्यूअर्स लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था जी हाँ लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपरली इंट्रोडक्शन देखा था इस लेक्चर में हम एक्चुअली चैप्टर नंबर वन की शुरुआत करने जा रहे हैं कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन बट जो हम जानते हैं हमने लास्ट सेमेस्टर में जैसे ही पढ़ाई किया था हम जानते हैं कि हमेशा सेक्शन नंबर वन कंपनी का टाइटल कंपनी की एप्लीकेबिलिटी एक्सप्लेन करता है सेक्शन नंबर वन हमेशा टाइटल एप्लीकेबिलिटी वगैरह वगैरह एक्सप्लेन करता है सेक्शन नंबर टू हमेशा बात करता है डेफिनेशंस की सेक्शन नंबर टू डियर व्यूअर्स बात करता है डेफिनेशन की बस उसी तरह से कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट वन हमारा जो मॉड्यूल नंबर वन है उसमें सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी अटेंशन सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी डिफाइन्स कंपनी डेफिनेशन दिया है किस चीज का डेफिनेशन दिया है बच्चों कंपनी का अंडर सेक्शन टू सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कौन से एक्ट में दिया है बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस डिफाइन्स कंपनी एज एक्चुअली कंपनी होती क्या है एक्ट हमें बताना चाह रहा है डेफिनेशन देके कि एक्चुअली कंपनी होती क्या है ध्यान दीजिएगा कंपनी मीन्स अ कंपनी अरे वाह कंपनी क्या है कंपनी बच्चों वीडियो देखते देखते हमें बाय हार्ट हो जाने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन पढ़ना अभी से वीडियो के दौरान ही शुरू करो अभी ही आना चाहिए क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड यानी जिसे जन्म दिया गया हो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यानी जिसे जन्म दिया गया हो अंडर दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन या और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट मैडम इसके पहले भी कंपनीज एक्ट था अरे था ना ये तो बचो अमेंडमेंट के बाद कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन आया कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स भी था उसके बाद काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए फिर हमने कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड भी बनाया इन शॉर्ट छोटी डेफिनेशन ऐसे बताना चाहता है कंपनी क्या है भैया कंपनी है कंपनी जी हाँ कंपनी मीन अ कंपनी जिसे जन्म दिया गया हो जिसे बनाया गया हो जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया हो कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर बनाया गया हो या तो 2013 वाले एक्ट में या उसके पहले कोई भी कंपनी लॉ में अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी को बनाया गया है तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे भैया उस कंपनी को हम बोलेंगे कंपनी जी हाँ बिल्कुल 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 बच्चों ये था हमारा पहला डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ कंपनी हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा हमारा आज पहला डेफिनेशन अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी बाय हार्ट अभी ही वीडियो देखते देखते हो जाना चाहिए जी हाँ बिल्कुल हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी बच्चों एक कर दीजिए बहुत ही सुंदर सा स्टार मार्क ये क्वेश्चन के आगे एक स्टार मार्क कर दीजिए डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी जी हाँ एक बहुत ही सुंदर सा फीचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फीचर है कंपनी में जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन कंपनी में जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन जी हाँ मैडम ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है सुनिए so, रजिस्ट्रेशन क्या होता है किसी भी चीज़ को लीगली इफेक्ट देने के लिए किसी भी चीज़ को लीगल इफेक्ट देने के लिए किसी भी चीज़ को लीगल मानने के लिए उसके लिए परमिशन यानी अप्रूवल चाहिए किसी भी चीज़ को लीगली करेक्ट मानने के लिए लीगल इफ़ेक्ट देने के लिए उसे अप्रूवल चाहिए अप्रूवल चाहिए यानी उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए अप्रूवल चाहिए यानी बच्चों उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए कभी भी कोई भी प्रमोटर्स आप या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोमोटर्स क्या होता है और डिटेल में आगे पढ़ेंगे बट प्रोमोटर्स इन शॉर्ट बताओ तो वो लोग जिसने कंपनी को शुरू किया बराबर प्रमोटर्स जब ये कंपनी बनाना चाहते हैं वो लोग ये कंपनी का डिटेल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मैडम रजिस्ट्रेशन कैसे ऐसे जाने का ऐसा बोलने का कि मेरे को ये कंपनी बनाने का ऐसा दो चार दो चार साइन देने का तो थोड़ा पैसा देने का खत्म अरे नहीं भैया नहीं डिटेल प्रोसीजर है एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का मैडम ये ऑनलाइन होता है जी हाँ बिल्कुल ऑनलाइन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट होती है वहां पर ये सब लीगली प्रोसीजर दिया होता है वहां पर ये सब होता है कभी भी किसी भी कंपनी का इनकॉरपोरेशन करना है यानी किसी भी कंपनी को लीगली जन्म देना है उसे बनाना है तो माय डियर व्यूवर्स से नाम देना पड़ता है नेम ऑफ द कंपनी एड्रेस देना पड़ता है रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी उसका एसोसिएशन ऑफ़ मेंबर्स होता है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरी आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन होते हैं उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उसी कंपनी का अपना खुद का बिजनेस भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा या तो बिजनेस होगा या तो सर्विस होगी कंपनी कुछ ना कुछ तो दे रही होगी कंपनी किसी ना किसी बिजनेस में तो होगी कंपनी के खुद के एम्प्लॉयीज़ होंगे बच्चों शेयर होल्डर्स मैंने दो बारी रिपीट किया है आपने सुना शेयर होल्डर्स आप बोलोगे मैडम शेयर होल्डर्स क्या होता है है ना शेयर होल्डर्स क्या होता है मैडम बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं जबी भी एक कंपनी की शुरुआत करते हैं यानी जब भी एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी में कैपिटल लगाना पड़ता है किसी भी बिजनेस में ये तो हम जानते हैं किसी भी बिज़नेस की शुरुआत करनी है यानी किसी भी कंपनी की अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें कैपिटल लगेगा वो जो कैपिटल यानी वो पैसा जिससे बिजनेस अपना जिससे कंपनी अपना बिजनेस शुरू करेगा पैसा तो चाहिए सबको पैसा चाहिए वो जो पैसा लगाने वाले लोग होंगे ओब्वियसली अगर वो अपना पैसा लगाएंगे तो वो लोग अपना हिस्सा भी लेंगे हिस्सा यानी शेयर हिस्सा यानी शेयर कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो उसका एक हिस्सा हम उस देने, उस व्यक्ति को उस इन्वेस्टर को देते हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया था यानी कि हमारे शेयर होल्डर्स कंपनी में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ शेयर होल्डर्स करते हैं नहीं भैया शेयर होल्डर्स होते हैं डिबेंचर होल्डर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं डिपॉजिटर्स होते हैं काफ़ी सारे लोग होते ये हम डिटेल में फ्यूचर में पढ़ते जाएंगे बट वो लोग जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगाया हो वो लोग जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगाया है उनको हम देते हैं बदले में शेयर शेयर यानी हिस्सा हिस्सा यानी उस पैसे के सामने उस पैसे के सामने इस कंपनी में ओनरशिप उसे कहते हैं शेयर्स और वो जो पर्सन जिसको हम शेयर दे रहे हैं उसको हम देंगे शेयर सर्टिफिकेट और उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर यानी वो इंसान वो व्यक्ति जिसके नाम पे शेयर है यानी जिसके नाम पे उस कंपनी में एक हिस्सा है उसे कहते हैं शेयर होल्डर और उसको प्रूफ में मिलता है एक शेयर सर्टिफिकेट इसीलिए कंपनी का बहुत ही फेमस एक कॉन्सेप्ट जिस है जिसमें बोलते हैं कंपनी के मेंबर्स यानी कंपनी के ओनर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कंपनी के मैनेजमेंट दो अलग अलग लोग होते हैं इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करके चला जाएगा मतलब वो सिर्फ तभी आएगा जब यरली एन्यूअल रिपोर्ट सबमिट करनी है मीटिंग्स होगी तब भी आएगा वो लेकिन डेली डे टू डे डे टू डे डे टू डे एक्टिविटी एक्टिविटीज़ डे टू डे बिजनेस संभालने वाले कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कौन उनके मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें बच्चों हम डिटेल में फ्यूचर में आराम से पढ़ेंगे अभी बताने का मतलब ऐसा था कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम क्या कर रहे हैं पढ़ेंगे बच्चों वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी इजी फीचर ऑफ अ कंपनी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट बात करेंगे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अंडरलाइन कीजिए रजिस्ट्रेशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है वो कंपल्सरी होता है तो ही वो कंपनी कंपनी कहलाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा जिसमें लिखी होगी डेट जिसमें लिखी होगी डेट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड अदर पर्सन आप बोलोगे मैडम मेमोरेंडम क्या है बच्चों दो कॉन्सेप्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी होती है कंपनी को बनाने के लिए इन दोनों का डिस्कशन हम डिटेल में फ्यूचर में करेंगे अभी के लिए होल्ड दैट थाट

लेकिन वो सच में एक व्यक्ति थोड़ी है वो कंपनी अपने हाथ से साइन थोड़ी कर सकता है इसीलिए हम बनाते हैं कॉमन सील कॉमन सील यानी स्टैंप कंपनी को अगर अपना अप्रूवल देना है तो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का कॉमन सील लगाते हैं यानी कंपनी का स्टैंप लगाते हैं विथ पावर विथ पावर टू अक्वायर अक्वायर यानी हासिल करना होल्ड होल्ड यानी होल्ड करना डिपोज डिस्पोज सॉरी डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी यानी बेच देना बोस मूवेबल अंडरस्टैंड मूवेबल एंड इमूवेबल टेंजल एंड इन टू कॉन्ट्रैक्ट टू सू टू बी सूड एंड बाय द नेम बाई कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडरस्टैंड जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी वो सारी चीज़ें लीगली कर सकती है खुद का नाम होना चाहिए खुद का रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है बेच सकती है प्रॉपर्टी टेंजिबल हो सकती है प्रॉपर्टी इनटेंजबल हो सकती है वो किसी के खिलाफ सूट भी फाइल कर सकती है उस पर भी कोई सूट फाइल कर सकता है उसको खुद का नाम दिया जाता है उसके पास कॉमन सील होता है उसका पोपैचल सक्सेशन होता है ये सारी चीज़ें बच्चों आती है फीचर्स ऑफ अ कंपनी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया माई डियर व्यूवर्स जो है रजिस्ट्रेशन हमने फर्स्ट पॉइंट पर लिया माय डियर व्यूअर्स जो कि है रजिस्ट्रेशन अभी इसमें रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट है बच्चों सेक्शन 464 मैं चाहती हूँ आप ये ध्यान से देखिए आई वांट यू टू पे अटेंशन सेक्शन 464 क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन अंडरस्टैंड प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ पर्सन एक्सीडिंग सर्टन नंबर सेक्शन फोर सिक्सटी फोर बात करता है मैक्सिमम लिमिट सेक्शन फोर सिक्सटी फोर बात करता है मैक्सीम लिमिट ऑफ मेंबर्स दैट अ कंपनी और अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव उससे ज्यादा मेंबर्स आपके नहीं होने चाहिए उससे ज्यादा आपके मेंबर्स यानी आपके शेयर होल्डर्स या आपके पार्टनर्स नहीं होने चाहिए बात करते हैं नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब शाल बी फॉर्म्ड फॉर द परपज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप और बाय द इंडिविजुअल में एक ऐसा नंबर प्रिस्क्राइब किया गया है इस सेक्शन में एक ऐसा नंबर माई डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्राइब किया गया है इस सेक्शन में जो कि बात करता है उससे ज्यादा लिमिट उससे ज्यादा मेंबर आप कंपनी में या पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं रख सकते आगे बढ़ेंगे अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और इट इज फॉर्मड अंडर एनी अदर द टाइमिंग इन फोर्स आगे पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन which may be prescribed under this act shall not exceed, understand? shall not not exceed exceed understand 100 यहां पे लिखा है कि कोई भी कंपनी में शेयर होल्डर्स कोई भी यानी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं उसमें शेयर होल्डर्स सौ से ज्यादा नहीं हो सकते बच्चों ये नंबर अभी बढ़ा के इसको 200 कर दिया गया है ये नंबर को बढ़ा के माईडिया अभी इस नंबर को हमने दो कर दिया है आगे बढ़ेंगे बच्चों इसमें एक्सेप्शंस है इसमें हम बात करते हैं एक्सेप्शन की एक्सेप्शन क्या है बच्चों देखिए अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन एनी बिजनेस यानी हम बात कर रहे हैं एच यू एफ हम बात कर रहे हैं माई डियर व्यूअर्स एच यू एफ मैडम एच यू एफ क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है बच्चों फ्लैशबैक में जाओ अपना इलेवेंथ और अपना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को याद करो और लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था उसमें हमने सोल प्रोपराइटरशिप देखा था हमने पार्टनरशिप फॉर्म देखा था और हमने लास्ट में कंपनी देखी वैसे ही बच्चों एक और एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है शुरू करने वाला जो एक व्यक्ति है उसे कहते हैं करता शुरू करने वाला जो व्यक्ति था उसे हम कहते हैं करता उसके जितने भी बच्चे हैं उसके बच्चे के जितने भी बच्चे हैं उसके बच्चे के बच्चे उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे ये सारे लोग अगर बिजनेस में हैं इसे कहते हैं कोपार्सनर्स इसे कहते हैं कोपार्सनर्स बच्चों इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एच यू एफ बच्चों इसमें एक्सेप्शन में आया क्योंकि उसमें फैमिली मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं कितने भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं वो इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं वो इस बिज़नेस का माय डियर व्यूअर्स पार्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है इससे कहते हैं करता यानी जिसने बिजनेस की शुरुआत की जो बिजनेस का हेड है जो फैमिली का हेड है करंटली उसे कहते करते और बाकी सारे मेंबर्स को हम कहते हैं कोपार्सनर्स सारे मेंबर्स को हम कहते हैं कोपार्सनर्स फिर बात करते हैं एसोसिएशन और पार्टनरशिप एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ़ इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट अगर ऐसा कोई एसोसिएशन बन रहा है या पार्टनरशिप फर्म बन रहा है जो प्रोफेशनल ने बनाया है प्रोफेशनल्स ने बनाया है जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो उन प्रोफेशनल्स ने बनाया है और इट इज़ गवर्नड बाई स्पेशल एक्ट वो स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न हो जाता है माई डियर व्यूवर्स तो उस भी चीज उस चीज भी वो चीज़ भी आई मीन एक्सेप्शन में आती है उसमें भी लिमिट मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट उसमें नहीं आती है लास्ट है बच्चों एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बिजनेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबाव प्रोविजन बोला है ना जो लिमिट है लिमिट क्या है बोला है ना वो लिमिट फॉलो करनी है वो लिमिट फॉलो करनी है अगर आप नहीं करते हो तो आप ये सेक्शन का उल्लंघन यानी कॉन्ट्रावेंशन करते हो यह सेक्शन का बचो द एवरी मेंबर और एक बार एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कैरिंग ऑन एन बिजनेस कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबाउट प्रोविजन शैल बी पनिशेबल उसको पनिशमेंट मिलेगी विथ फाइन नी फाइन भरना पड़ेगा विच में एक्सटेंड टू रुपीज वन लैक, अंडरलाइन लाइन माई डियर व्यूअर्स, अंडरलाइन अगर आपने इस सेक्शन की बात नहीं सुनी अगर आपने इस सेक्शन की बात नहीं सुनी तो आपको फाइन लग सकता है एक लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है एंड शाल बी पर्सनली लाइबल और वो पर्सनली भी लाइबल हो सकता है फॉर ऑल द लाइबिलिटीज इनकर्ड इन सच द बिजनेस गवर्नमेंट ने बोला है कुछ रूल्स फॉलो करने हैं तो माई डियर व्यूवर्स वो रूल्स उनको फॉलो करने ही हैं आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो बच्चों शेयर होल्डर जो मैंने आपको समझाया वो बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की शेयर यानी हिस्सा शेयर होल्डर यानी वो हिस्से का ओनर यानी शेयर होल्डर उसे प्रूफ में क्या मिलता है शेयर सर्टिफिकेट जी हाँ ये हम ये भी चीज़ बच्चों हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे तो जिस मैंने शॉर्ट में आपको एक आइडिया देने की कोशिश की ओके माय डियर व्यूअर्स दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कॉमेंट सेक्शन दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ थैंक यू